दृष्टि से बहुत आप कल्पा आएंगे, तो कल्पा का किन्नर कैलाश भी। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी रचना मैं रखना चाहता हूँ, आपको किन्नौरी और हिंदी दोनों को सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने मेरा देश के बारे में कहा गया था, तो मैं यहाँ पर यही छोटी सी एक व्याख्या रख रहा हूँ, छोटा सा शीर्षक है मेरा गाँव। मेरा गाँव अब बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। मेरा गाँव बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। सड़कें रास्ते पक्के हो रहे हैं, पुल नालियां बन रहे हैं। सड़कें रास्ते पक्के हो रहे हैं, पुल नालियां बन रहे हैं। स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर देते सब ध्यान, अब पक्ष विपक्ष के पंच प्रधान मिलकर करते काम सब। स्कूल शिक्षा स्वास्थ्य पर देते सब ध्यान, अब पक्ष विपक्ष के पंच प्रधान मिलकर करते काम। अब मेल मिलाप भाईचारा देख रहा हूं, अब माटी की भीनी भीनी सुगंध महसूस कर रहा हूं। अब मेल मिलाप भाईचारा देख रहा हूँ, अब माटी की भीनी भीनी सुगंध देख रहा हूँ। अब खेत खलियान सब खिल रहे हैं, सोलर लाइटों से रास्ते जगमगा रहे हैं। खेत खलियान सब खिल रहे हैं, सोलर लाइटों से रास्ते जगमगा रहे हैं। मेरा गांव अब बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। मेरा गांव बदल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। अभी कमियां भी बाकी है जरूर, जब विकास अभी हम विकास में विकसित नहीं है, अभी कमियां भी बाकी है। पढ़े लिखे रोजगार भी बहुत है, अभी कमियां भी बाकी है। पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार भी बहुत है। शिक्षा के साथ पुरानी कुरीतियां बाकी है, अभी बहुत सारी पुरानी कुरीतियां भी है। शिक्षा के साथ पुरानी कुरीतियां भी बाकी है, जात पात की बनी बस्तियां भी बाकी है। शिक्षा के साथ पुरानी पुरानी कुरीतियां बाकी है, जात पात की बनिया बनी अभी बस्ती बाकी है। ऊंच नीच पर अभी सख्तियां बाकी है, प्रेम मिलन पर सख्तियां बाकी है। ऊंच नीच पर अभी सख्तियां बाकी है, प्रेम मिलन पर सख्तियां बाकी है। द्रेय प्रथा पर जोर जबरदस्ती बाकी है, देखते हुए कई जगह हिमाचल में देव प्रथा पर भी जोर जबरदस्ती रहता है। देव प्रथा पर जोर जबरदस्ती बाकी है, मेरे गाँव में अभी पौराणिक लीपा पोती बाकी है। मेरे गाँव में अभी पौराणिक लीपा पोती बाकी है। हाँ मेरा गाँव बदल तो रहा है, विकास की राह पर चल रहा है। मेरा गांव बदल तो रहा है, छोटी सी रचना। तो धन्यवाद। यहाँ पर हमारे